आज का व्लॉग मैंने पूरा गुजरांवाले के रोड का बनाया, उधर ईद की नमाज पढ़ी है क्योंकि उधर मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ईद पढ़नी है फिर श्यामा मुझे बताइए सबसे आला और सबसे अजीब जो ईमान है वो किसका है? जी तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से खुशियों भरी ईद मुबारक। रहे हैं ये ना जाने किसी की कब्र पर फूल, ना जाने उसको भी कोई कितना रोया होगा। तो गाइस मैं अपना मोबाइल घर भूल आया हूँ जो जिसमें सिम चल रही थी, और मेरी मामा इंतजार कर रही होंगी। मैंने आज ईद की नमाज गुजरांवाला में पढ़ी है जी, ठीक है, और अब मैं डस्का की तरफ जा रहा हूँ। और ये पूरा व्यूज मैंने आपको गुजरांवाला का भी दिखाया। ये मेरा मोबाइल हो गया जी बंद, ये पीटीआई प्रूफ नहीं था। हेलो जी, पहुंच गया हूँ डस्का के लारी अड्डे पे, ये सामने डस्का का लारी अड्डा जी। जी गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर, सब मिलकर सबको ईद जी। फजर भी ईद के लिए रेडी है जी, और हरम भी, हरम ने बहुत पापड़ खाए हैं आज, ठीक है जी। फजर रानी ने भी, फजर तो कितनी प्यारी लग रही है, तो हरम भी बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। खैर मुबारक, यह हमारी आपी फातिमा है। घर वालों को मिलने के बाद हम घर से निकले चाचू को ईद मिलने के लिए जी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सुबह सुबह व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि मैं मोहम्मद मूसा को उसके दयाल में छोड़ने चला गया था जी। उसके पापा की कॉल आई थी जी, आप लोग इधर आ जाए, इधर हमारे पास करें, और मैं उनको छोड़ने चला गया था। आज का व्लॉग मैंने पूरा गुजरा वाले के रोड का बनाया, उधर ईद की नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि उधर मेरा कोई जानने वाला नहीं था। इधर आया और आके मैं सो गया था, तकरीबन मैं 6-7 बजे उठा हूँ। उठ के फिर मैं गया था अपने रिलेटिव्स के पास उनसे ईद मिलने के लिए। अभी मिल के तो घर वापस आ गए, बाबा तंग कर रहे थे और अभी बाबा के पास बैठते हैं जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी। तो ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को कल। अल्लाह हाफिज़।